मेथी के साग सर्दियों में बहुत ही हरे हरे और ताज़े ताज़े आते हैं, तो इसका आप साग बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, पूड़ी पराठा कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और सीजनल है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत ही फ़ायदेमंद और हेल्दी भी है। तो आज हम मेथी के कुछ अलग बनाने वाले हैं, जिसको बना के हम स्टोर भी कर सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो संध्या जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेथी के जो डंठल हटा देंगे और कोमल कोमल पत्तों को तोड़ लेंगे, तोड़ के धो लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डाल के हम थोड़े थोड़े मेथी को तल लेंगे। जब तल लेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है ये, और तले हुए को निकाल लेते हैं और थोड़े से जो मेथी रखे हैं इनको भी हम तल लेंगे। जब तेल में डालते हैं तो बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं, तलते तलते ये सारे बुलबुले शांत हो जाते हैं। जब शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि मेथी हमारी क्रिस्पी तल गई है। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई को थोड़ा साफ कर लेंगे और इसी में डालेंगे हम 2 गिलास पानी और पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। तब तक चावल का आटा मैंने छान के रखा हुआ है, इसमें डाल दिया तले हुए मेथी को। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़े से अजवाइन को क्रश करके हाथों से मल के डालेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। अब डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए 1 करछी तेल डाला है मैंने, वही तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने मेथी तला था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मलते हुए इसको मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम उबले हुए पानी को, ये देखिए करछी से ही डाल रही हूँ मैं, और इसे हाथों से नहीं 1 चम्मच की सहायता से मिलाएंगे। मैं चावल के आटे में बना रही हूँ, आप चाहे तो गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, चावल के आटे में बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और इसको मिला के ठंडा होने देते हैं, इसको ढकेंगे नहीं, खुला ही छोड़ दिया है मैंने ठंडा होने के लिए। ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, हाथ सहने भर हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे और बिल्कुल आटे की तरह गूंथ लेंगे, पानी हल्का हल्का ही डालेंगे, गीला नहीं करेंगे, बिल्कुल आटे की तरह गूंथेंगे इसको। ये देखिए इस तरीक़े से मैंने गूंथ लिया है और इसको हम बेल लेंगे। चावल का आटा है तो इसकी शेप बिल्कुल फट जाती है, तो इसको हम गिलास से काटेंगे इस तरीक़े से, एक रोटी की तरह बेल लेंगे और गिलास से हम काट लेंगे। ये छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बहुत ही सुंदर लगती है ये कचौड़ी, तो और भी हम बेल लेंगे और इसी तरीक़े से थोड़ा थोड़ा आटा लगा के बेलेंगे और गिलास से काट के रख लेंगे। अगर ये प्लेट भर जाएगा तो दूसरी थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से निकाल के हम सभी को रख लेंगे, और तेल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। और चलिए एक एक कचौड़ी को डालते हैं इसमें और इसे हम लाल होने तक तल लेंगे। ये देखिए कचौड़ी बहुत बढ़िया बन गई है, इसे निकाल लेते हैं और भी जो रखी हुई है हमारे पास इनको भी हम डाल लेंगे और इसी तरीके से बिल्कुल लाल होने तक तलेंगे। तो ये लीजिए सभी कचौड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार इस कचौड़ी की रेसिपी को आप भी बना के ज़रूर ट्राई करिए। आज मैं टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ सब करूँगी, बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ। चैनल पे मेरे अपलोड है, वहाँ से आप टमाटर की चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। एक कचौड़ी को तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपने अनुभव मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।